देश में कुछ लोग उमर खालिद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मेरा सबूत आज चीख चीख कर गवाही देगा आपके सामने कि हाँ, दिशा की हत्या हुई। पहले आप संक्रमण काल में, कोरोना काल में अध्यादेश लाते हैं, अब बिना वोटिंग कराए इसको पास करा देते हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी है। हमारे देश में मीडिया ही जरिया है जिसके द्वारा जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाता है, पर हाल ही में हमारा गोदी मीडिया किसी और ही धुन में मस्त दिखाई दे रहा है। मीडिया किसी अन्य मुद्दों को जनता के लिए जरूरी बनाने की कोशिश में जुटा है, पर दूसरी तरफ एक मीडिया ऐसा भी है जो जनता के मुद्दों को ही तवज्जो दे रहा है। आज हम देखेंगे कि दोनों तरफ के मीडिया में हुई डिबेट्स के मुद्दों में कितना फर्क था। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। पहले देखते हैं उन्होंने अपनी डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, ऑनलाइन पढ़ाई आफत या मिठाई। दूसरा, सरकार है कहां, बेरोजगार है यहां। तीसरा, प्रेस की आजादी पर सरकारी विज्ञापनों का डंडा। चौथा, मजदूरों का डेटा नहीं, पत्रकारों का डेटा नहीं। और पांचवा, उमर खालिद की गिरफ्तारी, पुलिस पर उठते सवाल। रवीश अक्सर ही ऐसे मुद्दे अपने शो में उठाते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाई नहीं देते। इस बार भी उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की अपनी डिबेट के जरिए। रवीश ने सरकार का डेटा ना होने वाले बयान पर भी चर्चा की और कई अहम बातें भी साझा की। श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मंत्रालय ने संसद में कहा है कि इन सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ एक फोन उठाता, रेल मंत्रालय या रेल मंत्री को फोन कर देता, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए। एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका? यही नहीं, कोविड की लड़ाई की शुरुआत में हेल्थ वर्कर को कोरोना वॉरियर कहा गया था, योद्धा। डॉक्टरों का भी कोई डेटा और डिटेल नहीं है। आईएमए के डेटा के अनुसार 15 सितंबर तक भारत में 379 डॉक्टरों की मौत हुई है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप अक्सर अपने डिबेट के जरिए बीजेपी नेताओं से सीधे और तीखे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी है। पहला, संसद में हंगामे से रुकेगा किसान आंदोलन, बिल तो बहाना है, चुनाव में जाना है। दूसरा, कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। तीसरा, किसान के नाम पर एनडीए में क्यों मचा घमासान। चौथा, समान नागरिक संहिता से किसका है नुकसान। और पांचवा, क्या विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। संदीप अकेले बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि अब तो वे मेनस्ट्रीम मीडिया में पर भी टिप्पणी करते दिखाई देते हैं। संदीप ने अपने डिबेट्स के जरिए किसानों का मुद्दा उठाया और बीजेपी नेता से सवाल भी किए। वोटिंग हो जाती है इतनी जल्दबाजी क्यों? संजय जी सेंट्रल हॉल में थे, कहे मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए, हमने उनका भाषण सुना, मनोज झा का सुना, कांग्रेस पार्टी के बाजवा साहब का सुना, हमारे भूपेंद्र यादव जी बोले। जल्दबाजी क्या थी, ऐसी क्या हड़बड़ी है? मुझे एक चीज समझाइए राकेश सिन्हा। पहले आप संक्रमण काल में, कोरोना काल में अध्यादेश लाते हैं, अब बिना वोटिंग कराए इसको पास करा देते हैं, ऐसी क्या जल्दबाजी है? मतलब ये कल ही तस्वीर और तकदीर बदल देगा किसानों की? बहस हुई, कल भी हुआ, कल मैं बोला, मैं मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाया, मुझे 15 मिनट बोला था, मैं 4 मिनट में खत्म करना पड़ा। तो जब आज बढ़े सेशन का 1 बजे मंत्री ने प्रपोजल दिया कि बहस हो गई है, मंत्री का जवाब हो गया, हम इस पर वोटिंग करा दें, सिलेक्ट कमेटी में जाए या ना जाए। पर ये अजीबोगरीब परिस्थिति नहीं है? आप कह रहे हैं किसानों के फायदे में और किसान आंदोलित है, मतलब कमाल की बात हो रही है। आप कह रहे हैं आपके फायदे में, किसान कह रहे हैं नहीं भैया हमें फायदा नहीं। मैं एक टिप्पणी कर दूं कि किसानों को जो पहला भ्रम फैलाया गया, जो आधा आंदोलन तो तभी समाप्त हो गया है। देश में युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। देश में कोरोना के कुल केस 54,50,000 के पार हो चुके हैं। किसान सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ का मीडिया तो इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, क्या गोदी मीडिया भी इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है? आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। पहले देखते हैं अर्नब ने अपने शो में किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या संदिग्धों की रक्षक बनी मुंबई पुलिस। दूसरा, नहीं छिपेगा सुशांत की हत्या का सच। तीसरा, दिशा की मौत के बाद सुशांत को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। चौथा, सुशांत के लिए आवाज उठाना बॉलीवुड का अपमान कैसे। और पांचवा, सुशांत दिशा की हत्या के पीछे बड़ा नेता कौन।
अर्णब पिछले कुछ महीनों से एक दो मुद्दों में ही व्यस्त हैं और क्यों ना हो, इन मुद्दों की वजह से ही उनका चैनल नंबर वन पर पहुंच गया है। इस बार भी वह सुशांत के मुद्दे पर ही चर्चा करते दिखाई दिए। दिशा और सुशांत की मौत से जुड़ा आज मैं वो सबूत लेकर आपके सामने आया हूं जिसके बाद कोई भी ये झूठ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता कि दिशा ने आत्महत्या की थी। मेरा सबूत आज चीख चीख कर गवाही देगा आपके सामने कि हां, दिशा की हत्या हुई। दिशा की हत्या हुई और इसका क्लियर लिंक है सुशांत की हत्या के साथ। और दिशा की हत्या से पहले उसे प्रताड़ित किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट हुई, दिशा के शरीर पर चोट के निशान थे। आइए अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। पहले देखते हैं कि उन्होंने अपने डिबेट्स में देश की किन समस्याओं पर बात की। पहला, आजादी के नाम पर देश चलाओ ब्रिगेड काम पर देश विरोधी सोच से हमदर्दी क्यों? दूसरा, बॉलीवुड पर सिलेक्टिव होने का आरोप, पहाड़ी वाला अन्याय कब तक? तीसरा, LAC पर चाइना की चाल, बैकफुट पर चीन, कांग्रेस को क्यों नहीं यकीन? चौथा, सुशांत की मौत का दिशा कनेक्शन, आज होंगे रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। पांचवा, चाइना के सहारे विपक्ष मोदी को ललकारे, भारत से पड़ी मार तो जासूसी का हथियार। खैर, अमीश ने या सुशांत के मुद्दा उठाया या विपक्ष को टारगेट किया, इस बार भी वे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करते दिखे। आज मुद्दा सिर्फ बहस के लिए नहीं है, क्योंकि एक ऐसी सोच देश में पैदा हो चुकी है जिसको अगर कुचला नहीं गया तो ये देश में आग लगा देंगे। CA के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंसा का खेल खेला जाता है, इसके बाद शर्जील उस्मानी नाम के एक छात्र को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब ये शर्जील उस्मानी जमानत पर छुटता है तो ये कहता है कि हिंदुत्व को जला दो, अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा। वो धमकी देता है कि बाबरी दोबारा बनाएंगे। इस सोच को तोड़ना होगा, क्योंकि देश में कुछ लोग उमर खालिद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिर में दिल्ली दंगे के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर वो गिरफ्तार हो जाता है। देश में और भी बड़ी समस्याएं हैं जो गोदी मीडिया को देख नहीं रही या ये देखना नहीं चाह रहे। जो भी समस्याएं हैं वह सोशल मीडिया के जरिए तो जनता तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वह जब इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मेन न्यूज चैनल पर खोलते हैं तो उन्हें सुशांत का मुद्दा ही देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।